जो फूट कर्नाटक में डाल रहा है और तुम्हें तो मंगलूर का आदमी है, बेंगलोर से तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं है, कैसा बोल रहा है तुम्हें, क्या तुम्हारे हकदारी से बोल रहा है तुम्हें, इसको डालो उसको डालो, शफी जाति के पहले ये फूट पड़ी थी क्या कर्नाटक में? मत तुम शफी सा अदि विरुद्ध गरम मादा आलम पाशा, तुम मुसलमानों को खरीदने वाला हो गया क्या, तुम एमएलए बनाने वाला हो गया क्या, हैसियत जानना है शाफी शादी की, हैसियत जानना है, तुम गद्दार है, बीजेपी का गद्दार है, आरएसएस का गद्दार है, मुसलमानों के लिए जो बात कर रहे हैं वो गद्दार है, जो सुन्नी उलमा जितने भी पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, एक इलेक्शन 50 करोड़ रुपए में हो रहा है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, जो भी हो, 50 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, जिस जगह पे दारू का बिकाव होता है 50 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, वहाँ वोट क्यों मुसलमान करें, क्या इलम दे रहे हैं आप लोग? चुनाव समीप दंते राजकीय लेखाचारे आरंभ जातीय मतदा राजकीय सह शुरुआत ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಚುನಾವಣೆಗೆ 50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಎಂಎಲ್ಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧವಿದೆ? ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚನ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂಎಲ್ಎ ಆಗ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿ ಮತವನ್ನ ಪಡಿತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೇನು ಕೆಲಸ? ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಯಾಕೆ ಶಫಿ ಸಾದಿ ಅವರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶಫಿ ಸಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು 4% ಮೀಸಲಾತಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 300 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೀರಾ, ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಶಫಿ ಸಾದಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಲಂ ಪಾಷಾ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ರು. बोर्ड मीटिंग चल रहे हैं हमारे शाफी शादी से, किसी को पता नहीं है क्या बोर्ड है, क्या सुन्नी उलमा है, क्यों कर रहे हैं शाफी शादी ये काम, क्यों कर रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं ये फूट, क्यों नहीं मैं हर तमाम आलिम, हर तमाम उलमा, हर तमाम इमाम हमारे एक ही हैं, एक ही होना चाहिए, चाहे वो इमरान मकसूद साहब हो, अमीर शरिया हो और ये फला हो, तमाम एक ही होना चाहिए. और ये बोलते हैं कि भाई मुसलमान को वोट करो और जेडीएस और कांग्रेस मुसलमान को वोट करो, मुसलमान उसको वोट करो, क्यों नहीं मांगते हैं करके जो बोल रहे हैं, तुम्हें सुन्नी उलमा क्यों बनाए, क्या वजह से बना रहे हैं? और आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का मतलब आप रिजाइन भी करना है, रिजाइन करके खड़ी है ना. और आप पहले शाफी शादी को कोई हक नहीं है, एक उलमा बोर्ड में दूसरे मुसलमान भाई को उसमें जुदा करें, इसको अलग करें, कोई हक नहीं है इनको. जो काम कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो किया, मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान को शर्मिंदे बनाए. तो आप कह रहे हैं कि सारे मसलक के उलमा एक जमा एक जगह जमा होकर मीटिंग होने चाहिए, अलग जब तक नहीं होते हैं इनो, जब तक नहीं होते कोई मुसलमान का काम नहीं है. और ये नहीं है कि भाई आप मुसलमान को जिताओ, जेडीएस में जिताओ, कांग्रेस में जिताओ, क्यों बोलते हैं? पैसा 50 करोड़ रुपए खर्च करके जो पैसा वाला है वही जीतना, ये तमाम चीज मालूम नहीं क्या ये लोगों को? जो सुन्नी उलमा जितने भी पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है मुसलमान और दारू के बोतलों के साथ इलेक्शन हो रहा है, उसमें उलमा का काम क्या है? अरे भाई इनकी दुआ होना चाहिए, एक इलेक्शन 50 करोड़ रुपए में हो रहा है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, जो भी हो, पैसा करने वाले जीतने वाले 50 करोड़ रुपए डाल रहे हैं, ये बात का तर्जुमा करे क्या उन्हों, क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहे हैं, इसमें दारू चल रहा है क्या, रिश्वत हो रही है क्या, इन्हें मालदार है क्या? तुम्हारा काम उलेमा है, तुम्हें काम आप आलिमों के साथ कर रहे हैं. तो जब हजरत उमर अलैहिस्सलाम, हजरत उमर के जमाने में जो हुआ, जिसके पास दौलत थी दौलत बांट दिए, हुकूमत में दौलत सब पूरा इक्वल करके बांट दिए, जो लोग बनते गनी बनते इनके पास दौलत लेके दिए, तो आज क्या है अपने शाफी शादी के पास क्या है? जो कैंडिडेट को वोट कराने की बात करते हैं वो लोगों के पास दौलत कितनी है, पैसा कहाँ है, उसका बयान कहाँ है आपके पास? और ये बोल रहे हैं कि आप दारू जिस जगह दिया जाता है दारू के साथ, चाहे मुसलमान लेता नहीं है, हराम है, उसको दो दोख बना देगा, वो पार्टी को वोट क्यों करें हमें? जिस जगह पे दारू का बिकाव होता है 50 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, वहां वोट क्यों मुसलमान करें, क्या इलम दे रहे हैं आप लोग?
क्यों फूट डाल रहे हैं तुम्हें? तो मुझे सुन्नी उलमा बोर्ड से भी मिलना चाहिए, हमें पूरे तमाम मुसलमान मिलना चाहिए, मगर ये नहीं कि भाई जिस जगह पे पैसा 50 करोड़ रुपए में इलेक्शन करो, दारू के बोतल जा रहा है वहां पे वोट करो, वो लोगों को जिताओ। तो ये लोग क्या करेंगे जो 50 करोड़ रुपए खर्च और 100 करोड़ रुपए जो खर्च करके आएगा, ये मुसलमानों के लिए क्या करेगा? क्या मुसलमान को चाहिए? जो बोर्ड के चेयरमैन है आप, तुम्हें ये लिए जो बच्चे जो 4% की बात किए हैं आप, बोर्ड के चेयरमैन जो बने हैं 4% में 300 मुसलमान बच्चों की फायदा होगा, पूरे 300 मुसलमान बच्चों को MBBS में, IAS में, 2B में या PUC के बाद 300-400 लोगों का फायदा होगा। क्यों 30,000, 40,000, 5 लाख, 10 लाख बच्चों को वक्फ बोर्ड से मुसलमानों के तहत से या 200 लाख मुसलमानों से फायदा करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं तुम्हें? और ये कि मिले जो आज जो अपना पी नवीन से ये इद्रिस पाशा तक का जो MLA के साथ आप चेयरमैन बन के, आप ये सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर बन के कितने कंप्लेंट, कितने FIR बना के ये लोगों को अंदर किए? पी नवीन के केस में इम्प्लीट हुए क्या आप? IMA के केस में 15,000 करोड़ रुपए खाया तुम्हें लोग, इम्प्लीट हुए क्या? और ये जो केस है इद्रिस पाशा के, इन्हें बोला तुम्हारे लोगों को मारता हूँ, तुम्हारी मुसलमानों को मारता हूँ, तुम लोग क्या किए? क्या करेगा ये MLA जो 100 करोड़ रुपए खर्च करके तुम जिताएगा, ये MLA क्या करेगा? जिस जगह दारू की बिकाव है, जिस जगह पे 100 करोड़ रुपए का व्यापार चल रहा है, तुम्हें क्या वकालत ले रहे हैं? किसको बोल रहे हैं तुम्हें वोट करने के लिए? मुसलमान वोट कांग्रेस को करो यानी BJP को करो, JDS को करो, जो बोलता है तुम्हारे जहन में क्या है ये बोलना है शाफी सादी? तुम्हें ऐसी बात नहीं करना जो फूट कर्नाटक में डाल रहा है, और तुम्हें तो मंगलूर का आदमी है, बेंगलुरु से तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं है, कैसा बोल रहा है तुम्हें? क्या तुम्हारे हकदारी से बोल रहा है तुम्हें? इसको डालो उसको डालो, शाफी जाति के पहले ये फूट पड़ी थी क्या कर्नाटक में, बेंगलुरु में ये फूट पड़ी थी क्या? तो इसलिए ये वार्निंग है शाफी जाति को, मुसलमान का काम जो भी है, हमें जानते सुन्नी मुसलमान ये अमीर जान अमीर भाई के नाम से हमें वो जमाने से 50 साल से काम करते, हमें उनकी इज्जत करता हूं, मैं उनको मैं जानता था, उन्हों कर रहे हैं मेरे तरफ से उनको दुआ भी है, मगर ये आदमी कौन है? यह आदमी मंगलूर से जो आया हुआ आदमी, बेंगलुरु की इज्जत, जो दौलत कमा लिया, पैसा कमा लिया, वो पैसा चोरी का हो, वो करोड़ों में होगा, तुम बड़ा हो गया क्या? तुम मुसलमानों को खरीदने वाला हो गया क्या? तुम MLA बनाने वाला हो गया क्या? हैसियत जानना है शाफी सादी की, हैसियत जानना है। तेरे पास 20-50 करोड़ रुपए है, हराम की दौलत है, हराम का पैसा है, मुसलमानों में हराम की तिजारत नहीं करना है, तो जो इसको वोट डालो ये बोलना है ये हलाल में जाएगा, हलाल का वोट चाहिए, हलाल के आदमी को हम सेलेक्ट करेंगे, वो कांग्रेस से होगा, वो JDS से होगा, वो RSS से होगा, तुम भी तो RSS के हैं, और जितना तुम बोलते हैं कांग्रेस का और JDS का बोल रहे हो, तुम RSS का क्यों नहीं बोलते हैं? तुम्हारे को RSS का चेयरमैन बनाया, तुम्हें रिजाइन किया क्या? और तुम्हारे को RSS का चेयरमैन बनाया गया, तुम्हें RSS को BJP को क्यों गद्दारी कर रहा है? गद्दारी क्यों कर रहा है? तुम्हारे को मान के RSS तुम्हारे को चेयरमैन बनाया, तुम्हें दिल्ली में फूल की चादर चढ़ा के तुम्हें वो तुमको जो बनाया उसकी गद्दारी क्यों कर रहा है? जो भी हो बनाया, तुम गद्दार है, BJP का गद्दार है, RSS का गद्दार है, मुसलमानों के लिए जो बात कर रहे हैं वो गद्दार है, और जो वोट कांग्रेस JDS मुस्लिम जो भी बोलते हैं उसका सिला देना है तुम्हें कि भाई एकदम इंसाफ से हलाली रूप से वोट देना है, बगैर वोट देना है इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल जाएगा, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं होगा।